आज के हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बताती है। इसको 1883 में अल्फ्रेड वर्नर ने डिस्कस किया था। अल्फ्रेड वर्नर या वर्नर के अकॉर्डिंग सेंट्रल मेटल की टू टाइप्स की वैलेंसीज होती, जिसमें से एक वैलेंसीज को हम कहते हैं प्राइमरी वैलेंसीज और दूसरी वैलेंसीज को कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसीज को हम हमेशा डॉटेड लाइन की हेल्प से दिखाते। तो अगर डॉटेड लाइन से कोई वैलेंसी है तो हम उसको कहेंगे प्राइमरी वैलेंसी, जबकि सेकेंडरी वैलेंसीज को हम सॉलिड लाइन से दिखाते, मतलब डॉट डॉट नहीं होंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात, और ये बच्चे को आनी ही चाहिए, जो प्राइमरी वैलेंसीज है उसको सिर्फ एनायन सेटिस्फाइड करेंगे। फिर से रिपीट करता हूँ, प्राइमरी वैलेंसीज को सिर्फ एनायन ही सेटिस्फाइड करेंगे। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, जितना सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज होगा। जैसे इस एग्जाम्पल में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसीज 3 होंगी और उसको सिर्फ एनायन ही सेटिस्फाइड करेगी। जबकि सेकेंडरी वैलेंसीज को कोई भी सेटिस्फाइड कर सकता है, एनायन भी, कैटायन भी और न्यूट्रल भी, पर इनका ऑर्डर क्या होगा और ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड सेटिस्फाइड करेगा, अगर न्यूट्रल कम पड़ जाए तो फिर नेगेटिव सेटिस्फाइड करेगा, और अगर नेगेटिव भी खत्म हो जाए तब हम पॉजिटिव का यूज करेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। थर्ड बात सिर्फ थ्योरेटिकल है कि ये आयोनाइजेबल है, मतलब अगर कोई प्राइमरी वैलेंसी से अटैच्ड है तो आयोनाइज हो जाएगा, लेकिन अगर वो सेकेंडरी वैलेंसी से अटैच्ड है तो फिर आयोनाइज नहीं होगा, मतलब सेकेंडरी वैलेंसीज आयोनाइज नहीं होगी। नेक्स्ट बात, प्राइमरी वैलेंसीज ब्रैकेट के अंदर भी हो सकती हैं और ब्रैकेट के बाहर भी, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसीज सिर्फ ब्रैकेट के अंदर होंगे। जैसे ये 6 अमोनिया है, ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ये 6 अमोनिया इसकी सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, इसकी सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसीज से उसकी कंडक्टेंस का पता लगता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसीज उसकी हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर के बारे में बताती है, पर ये पॉइंट ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। और लास्ट बात जो मैंने पहले ही डिस्कस कर दी है कि प्राइमरी वैलेंसीज मेटल की या सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसीज मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगी। अगर मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 होंगी, और अगर 4 है तो 4 होगी। अब वर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी में कुछ डाउट आए कि ये हमें एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बताती थी कि इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। दूसरी, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं बताती। तीसरी बात, ये हमें बॉन्डिंग भी नहीं बताती थी, ये नहीं बताती थी कि इसने sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्यों दिखाई है, ये dsp2 क्यों है और ये dsp3 क्यों है। तो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, कोबाल्ट से 6 अमोनिया सॉलिड लाइन से जुड़े हुए, तो अमोनिया इसकी सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करते हैं, और इससे 3 डॉटेड लाइन फ्री है जो इसकी प्राइमरी वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करती है। अब हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है आपके सामने, कि जो कोबाल्ट प्लस थ्री है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पेपर में दे रखी हो तो कोई बात ही नहीं, अगर हमको लेनी हो तो कितनी लेंगे, हम हमेशा 6 लेंगे। आयरन प्लस टू और आयरन प्लस थ्री की कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम हमेशा +6 लेंगे, और क्रोमियम +3 की कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमेशा 6 लेंगे, और प्लेटिनियम +4 की भी कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 ली जाती। ये इसके क्वेश्चन करने के लिए नेसेसरी है, अगर आपको ये बात पता नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। कैसे प्रॉब्लम आएगी, अगर क्वेश्चन आ जाए कि हीमोग्लोबिन में आयरन की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या,
अब हमें ना तो स्ट्रक्चर आती है, और जिनको स्ट्रक्चर आती है उनको उसमें चार नाइट्रोजन अटैच दिखाई देंगे, लेकिन आयरन की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। तो अगर जिंक प्लस 2 हुआ तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, कॉपर प्लस 2 में भी मोस्टली 4 होती है और कॉपर प्लस 1 में भी 4 होती है। निकल प्लस 2 अगर वो दे तो कोई बात ही नहीं है, पर मोस्टली कंपाउंड में निकल की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है और प्लेटिनियम प्लस 2 हमेशा 4 दिखाता है, निकल प्लस 2 में 6 भी दिखाता है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पेपर में कम आते हैं। अब आई एजी प्लस, तो एजी प्लस की कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगी, ठीक है ना। अगर आपको ये बात याद हो जाएगी तो आपको कैसे फायदा होगा, जैसे अभी मैं क्वेश्चन पूछूं टॉलेंस रिजेंट में एजी की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, तो अब कुछ बच्चों को टॉलेंस रिजेंट ही नहीं आता, पर उसने सिल्वर बोला है तो 2 होगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कि जब हम फोटोग्राफी में एजीबीआर की रिएक्शन हाइपो से करते हैं तो एजी की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, तो हाइपो हाइपो जब एजी से अटैच होगा तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगी, ठीक है। तो हम चलते हैं बर्नर कोऑर्डिनेशन नंबर थ्योरी को समझने कुछ एग्जांपल के हेल्प से। हमारे सामने एक कॉम्प्लेक्स है, हम देख सकते हैं। तो पहले हम टेबल में दिए वो हमको देगा कि हमारे पास कोबाल्ट 6NH3 है, तो इसका सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट कैसे बनेगा। तो हमने इसको देखते आइडेंटिफाई कर लिया, इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 3 है और प्लस 3 में कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती और कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी बैलेंसीज को सेटिस्फाइड कर दी। तो हमने क्या किया, कोबाल्ट पर कोबाल्ट के पास टोटल कितने लिगेंड है, 9, 6 अमोनिया 3 क्लोरीन। अब डाउट आया कि कौन सा ग्रुप अंदर जाएगा, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि पहले न्यूट्रल जाएगा, फिर नेगेटिव जाएगा, फिर पॉजिटिव जाएगा। तो हमने देखा 6 अमोनिया है, इसलिए हमने 6 के 6 अमोनिया को अंदर भेज दिया क्योंकि ये न्यूट्रल है और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाइड करने के लिए उससे हमने 3 Cl पीछे लगा दिया। अब बच्चों अगर ये कॉम्प्लेक्स टूटा तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैलेंसीज कभी फ्री नहीं होती, मतलब ब्रेक नहीं होंगी, सिर्फ जो ब्रैकेट के बाहर है वो फ्री हो जाएंगी। तो कोबाल्ट जब ब्रेक होगा तो आप देख सकते हो ये एक तो कॉम्प्लेक्स आयन बन जाएगा जो एक सिंगल आयन की तरह बिहेव करेगा और 3 Cl बन जाएंगी। तो 3 Cl और एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलकर टोटल कितने हो गए, 4, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स में टोटल 3 Cl थे, इसने तीनों के तीनों Cl को आयंस में कन्वर्ट कर दिया, तो 100% क्लोरीन प्रेसिपिटेट हो जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, कोबाल्ट 5NH3Cl3, इसका हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। हमने देखते ही समझ गए कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हमें कोबाल्ट के ब्रैकेट के अंदर 6 ग्रुप रखने और हमारे पास टोटल 5 अमोनिया 3 Cl मतलब 8 लिगेंड है। तो हमने क्या किया, कोबाल्ट से पहले तो अमोनिया को अटैच किया क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल थे, पर अमोनिया 5 ही थे तो हमने 6 करने के लिए 1 Cl को अंदर और भेज दिया। अब कितने Cl बचे, 2, तो हमने 2 Cl को ब्रैकेट के बाहर अटैच कर दिया जो प्राइमरी वैलेंसीज को सेटिस्फाइड। अब जब ये कॉम्प्लेक्स टूटेगा बच्चों तो क्या होगा, एक तो ब्रैकेट बन गया, आप देख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स। अब ब्रैकेट के बाहर कितने Cl थे, 2, तो 2 Cl और बन गए, तो टोटल Cl कितने हुए, टोटल आयंस कितने हुए, 3, तो ये 3 आयंस देगा। अब आप इंपॉर्टेंट बात नोट कर सकते हैं, यहां टोटल Cl 3 थे पर इसने 2 ही Cl लूज किए, इसका मींस हुआ 66% क्लोरीन प्रेसिपिटेट कर दी। नाउ वी डिस्कस द फोर्थ एग्जाम्पल,
जब हम इसके फोर्थ एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे तो कोबाल्ट के पास में टोटल आप देख सकते हैं 7 लिगेंड है, जिसमें से 4 अमोनिया है, 3 सीएल। तो हमने क्या किया, पहले तो ब्रैकेट के अंदर 4 अमोनिया को भेज दिया। अब बचे कितने, 2, 2 कम पड़े तो हमने 2 क्लोरीन को जोड़ दिया और एक जो क्लोरीन बच गया उसको ब्रैकेट के बाहर लगा दिया। अब जब ये कॉम्प्लेक्स टूटा तो देखो, एक तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बन गया, ठीक है ना, पर बाहर कितने सीएल रह गए, 1। तो टोटल आयन्स की नंबर कितनी हो गई, 2। टोटल आयन्स की नंबर कितनी हो गई, 2। अब 3 क्लोरीन में से सिर्फ एक ही क्लोरीन का आयन बना तो 33% क्लोरीन प्रेसिपिटेट हो। अब हम चलते हैं इसके लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमारे पास एग्जाम्पल है कोबाल्ट 3NH3 3Cl। कोबाल्ट से 6 लिगेंड अटैच होते हैं, 6 के 6 लिगेंड ही अंदर चले गए, इसका मतलब इसका आयोनाइजेशन नहीं होगा, इसके आयन्स 0 बनेंगे और कितने परसेंट क्लोरीन प्रेसिपिटेट होगी। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको ये सब नहीं मिलेंगे, सिर्फ फर्स्ट रो के 4 कॉम्प्लेक्स मिलेंगे और वो कहेगा किसकी कंडक्टेंस मैक्सिमम होगी। तो हम देखेंगे इसके पास 4 आयन है इसलिए इसकी कंडक्टेंस मैक्सिमम होगी, या फिर पूछेगा किसकी कंडक्टेंस मिनिमम होगी, तो हम देख सकते हैं इसके पास 0 आयन है इसलिए इसकी कंडक्टेंस मिनिमम होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ये 4 सॉल्ट हमें मिलेंगे और वो कहेगा AgNO3 के साथ में रिएक्ट कराने पर कौन 66% क्लोरीन को प्रेसिपिटेट कर देगा। तो हम देख सकते हैं सेकेंड वाला सॉल्ट 2 सीएल देगा इसलिए 66 कर देगा, या फिर पूछेगा कौन 0% क्लोरीन प्रेसिपिटेट करेगा, तो हमारा आंसर फोर्थ हो जाएगा। और अगर उसने पूछा कि कौन 33% करेगा तो फिर थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड है जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला 5NH3 और दूसरे का 6NH3 है। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम इसकी AgNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो कितने क्लोरीन प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो हमने फटाफट मेंटली इसका कॉम्प्लेक्स बनाया, कोबाल्ट से 6 लिगेंड अटैच होते हैं, इसका मतलब 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन अंदर चले जाएंगे तो 2 क्लोरीन बाहर रह जाएंगे, इसका मतलब ये 66% क्लोरीन प्रेसिपिटेट कर देगा। फिर हमने कोबाल्ट NH3Cl3 को देखा, फिर हमने मेंटली कैलकुलेट किया कोबाल्ट से 6 लिगेंड अटैच होते हैं क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल है इसलिए 6 के 6 अमोनिया अंदर चले जाएंगे और कितने सीएल बाहर रह जाएंगे, सीएल बाहर रह जाएंगे 3, तीनों के तीनों सीएल आयन्स बनकर निकल जाएंगे और हमें 100% क्लोरीन प्रेसिपिटेट हो जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम को हम देख सकते हैं हमारे पास प्लैटिनियम के खूब सारे सॉल्ट 1, 2, 3, 4, 5। इसमें प्लैटिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, ठीक है ना। प्लैटिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +4। तो अब हमने क्या देखा, देखना प्लैटिनियम +4 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, इसका मींस हुआ हमें प्लैटिनियम से 6 लिगेंड ब्रैकेट के अंदर जोड़ने। अब इसके पास टोटल लिगेंड बच्चों है कितने, 4 सीएल 6 अमोनिया, तो टोटल लिगेंड कितने हो गए, 10। अब 10 में से सिर्फ 6 ही अंदर जा सकते हैं तो पहले कौन जाएगा, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है कि पहले न्यूट्रल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 6 के 6 अमोनिया अंदर चले गए और प्लैटिनियम को चार्ज को बैलेंस करने के लिए 4 क्लोरीन बाहर अटैच हो। अब हम चलते हैं सेकंड, इस प्लैटिनियम के पास में टोटल 4 क्लोरीन 5 अमोनिया है, इसका मतलब टोटल लिगेंड 9 हो गए पर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 6 ही जा सकते हैं, तो पांचों अमोनिया तो पहले जाएंगे क्योंकि न्यूट्रल है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को मेंटेन करने के लिए 1 सीएल और अंदर चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं ब्रैकेट के बाहर सीएल की नंबर अब 3 रह जाएगी जबकि ऊपर वाले में कितनी थी, 4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब प्लैटिनियम के पास आप देख सकते हैं कितने लिगेंड है, 4 क्लोरीन 4 अमोनिया, टोटल कितने हो गए, 8, पर केवल
छह ही अंदर जा सकते हैं। तो हमने क्या किया, चार अमोनिया को ब्रैकेट के अंदर भेज दिया और सिक्स करने के लिए दो क्लोरीन को जोड़ दिया। तो बच्चों बाहर कितने सीएल रह गए, दो सीएल रह गए। अब हम चलते हैं थर्ड फोर्थ कॉम्प्लेक्स की तरफ। यहां प्लेटिनियम के पास में टोटल सेवन लिगेंड हैं, फोर क्लोरीन थ्री अमोनिया, पर अंदर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ सिक्स जा सकते हैं। तो हमने पहले तो सारे अमोनिया को जोड़ अंदर भेज दिया जो नंबर में थ्री थे। अब सिक्स करने के लिए तीन क्लोरीन को और अंदर भेज दिया। अब हमारे पास क्लोरीन एक बाहर रह गया। अब हम चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहां प्लेटिनियम के पास में टोटल सिक्स ही लिगेंड है, तो सिक्स के सिक्स लिगेंड ही अंदर चले जाएंगे, मतलब ब्रैकेट के बाहर एक भी आयंस नहीं हो। अब देखते हैं, क्योंकि चार क्लोरीन बाहर अटैच है इसलिए इस कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज कितना होगा, प्लस फोर, जबकि इस वाले में तीन सीएल है तो ब्रैकेट पर चार्ज कितना होगा, प्लस थ्री, जबकि इसमें दो सीएल है तो ब्रैकेट पे चार्ज कितना होगा, प्लस टू, जबकि इसमें एक ही सीएल है तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, प्लस वन, और यहां पर कोई सीएल है नहीं इसलिए चार्ज कितना होगा, जीरो। तो हमको चार्ज ऑन कैटायन समझ आ गया। अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की तरफ, क्योंकि कोबाल्ट प्लेटिनियम प्लस फोर स्टेट में सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर ही दिखाता है। तो आप देख सकते हैं सभी में इसके कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है, ठीक है। अब हम चलते हैं प्राइमरी बैलेंसेज की तरफ। तो हमने प्राइमरी बैलेंसेज में थोड़ी देर पहले ही बताया है आपको कि प्राइमरी बैलेंसेज मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है। तो प्लेटिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर चार है, तो सब में ही प्राइमरी बैलेंसेज कितनी होगी, फोर। अब हम चलते हैं आयंस कितने देगा। तो आप देख सकते हैं फोर क्लोरीन और एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलकर फाइव आयंस हमको प्रोवाइड करें, जबकि इसमें थ्री क्लोरीन और एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलकर चार, जबकि थर्ड वाले में दो क्लोरीन और एक कॉम्प्लेक्स आयन आपस में मिलकर थ्री आयंस देगी। अब हम फोर्थ को देखेंगे बच्चों, एक सीएल देखो बाहर है और एक कॉम्प्लेक्स, तो वन और वन मिलकर कितने हो गए, टू। और लास्ट वाले कॉम्प्लेक्स में आप देख सकते हो ब्रैकेट के बाहर एक भी आयंस नहीं है, इसलिए ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और सिखाता हूं जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट कि हम देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंसेस को डिस्कस कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो मैं इस कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंसेस को डिस्कस करता हूं। हम देख सकते हैं प्लेटिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फोर है, ठीक है ना। तो प्लस फोर है तो चार प्राइमरी बैलेंसेस हो, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, क्योंकि प्राइमरी बैलेंस सेकेंडरी बैलेंसेस ब्रैकेट के अंदर होती हैं और प्राइमरी बैलेंसेस ब्रैकेट के बाहर होती हैं। तो आप देखें ये जो तीन सीएल हैं ये सिर्फ इसकी प्राइमरी बैलेंसेस को सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है इसलिए ये सेकेंडरी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो तीन सीएल सिर्फ प्राइमरी बैलेंसेस को सेटिस्फाइड करेगा, जबकि एक सीएल ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है तो ये इसकी सेकेंडरी बैलेंसेस को ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड करेगा, लेकिन इसके अलावा ये प्राइमरी बैलेंसेस को भी सेटिस्फाइड करेगा। क्यों? क्योंकि प्लेटिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फोर है, तो टोटल इसकी चार प्राइमरी बैलेंसेस पॉसिबल है। यहां हम डिस्कस करेंगे एक और एग्जाम्पल। हम देख सकते हैं कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री है, प्लस थ्री है तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट की प्राइमरी बैलेंसेस हो जाएंगी तीन, लेकिन आप देख सकते हैं पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह ही दो क्लोरीन बाहर हैं, तो दो क्लोरीन केवल इसकी प्राइमरी बैलेंसेस को ही सेटिस्फाइड करेंगी, लेकिन एक क्लोरीन ब्रैकेट के अंदर है इसलिए ये इसकी प्राइमरी
और सेकेंडरी दोनों ही वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करेगा, जबकि 5 अमोनिया सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करेंगे, ऐसे ही इसमें भी 5 अमोनिया सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करेंगे, जबकि इस क्लोरीन में 1 क्लोरीन प्राइमरी और सेकेंडरी को सेटिस्फाइड करेगा, जबकि 3 Cl प्राइमरी वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करेंगे। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। और ये जो लास्ट में है, ये क्वेश्चन कोबाल्ट वाला क्वेश्चन जेई में आ चुका है और प्लेटिनियम वाला भी आ चुका है, तो ये फिर से रिपीट हो सकता है, तो आप इसको ढंग से समझ लें।